आप सभी को ताराकांत पांडे का आज सायंकालीन 19 मार्च 2018 को हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत है मेरे इस चैनल पे यूट्यूब, जिसमें आपको सभी वनडे एग्जाम्स की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 5500 LT ग्रेड GIC लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इलाहाबाद द्वारा 10,000 वैकेंसी और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं लेखपाल ग्राम विकास अधिकारी UPSSSC से और जितने भी वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं सभी के लिए उपयोगी है, चाहे बैंकिंग भर्ती परीक्षा हो। सभी के एस्पिरेंट सभी के अभ्यर्थी देख सकते हैं इस वीडियो को। और आज जो मैं आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ भारत के मानचित्र के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ चीजें बताऊंगा दिशा को आपको क्या है कि रुचि बनाए रखना है। और आप मेरे चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको निरंतर नोटिफिकेशन मेरे वीडियोज के मिलते हैं। मैं सीधे टॉपिक पे आ जाता हूँ। आज मैंने कहा भारत का मानचित्र, तो आप भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं कि भारत हमारा क्या है, हमारा भारत प्यारा देश। और ये भारत प्यारा देश इसकी जो राजधानी है वो नई दिल्ली, क्या है नई दिल्ली, तो नई दिल्ली जो राजधानी इसकी है। और नई दिल्ली में क्या केंद्रीय सचिवालय है, नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय है, नई दिल्ली में लोकसभा है, नई दिल्ली में राज्यसभा है और नई दिल्ली में ही क्या है लाल किला है और बहुत सी इमारतें हैं जो ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध हैं, वो तो सब नई दिल्ली में है, दिल्ली में है। तो चीजें धीरे धीरे हम भूगोल में आएंगे बताएंगे, आज हम आपको भारत के मानचित्र के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप जान लें कि भारत में जो कुल राज्य है कितने हैं। भारत के कुल राज्य जो है 29 है, 28+1। ये जो हुआ है कौन सा है, तेलंगाना ये नया राज्य है और ये 2014 में अस्तित्व में आया। और अगर तेलंगाना की बात आ गई है तो इनके जो सीएम है मतलब सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर यस चंद्रशेखर है। और तेलंगाना राज्य जो बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और तेलंगाना की जो राजधानी तेलंगाना की हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और 2014 में स्थिति में आया, तो तेलंगाना नया राज्य है। और अगर देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत में वो भी कितने हैं 7 हैं। तो 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है, वहां पर केंद्र का नियंत्रण होता है, वहां पर क्या होता है उपराज्यपाल होते हैं। जैसे दिल्ली में क्या है उपराज्यपाल, ज्यादा शक्तियां वहां उपराज्यपाल में निहित होती है। और दिल्ली के जो उपराज्यपाल है कौन, अनिल बैजल। तो इसी प्रकार से सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी एक सरकार है, लोकप्रिय सरकार है। जैसे दिल्ली में है दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कौन है, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल है। और मैंने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल के जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है इनसिग्निफिकेंट मैन। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और क्या है ये आपने देखा होगा, बहुत ही सादगी पसंद व्यक्ति हैं, कोई बनावट नहीं है। और ये IAS अधिकारी थे, कह सकते हैं कि उसके इनकम टैक्स के IAS लेवल के अधिकारी थे और इनकी पत्नी भी IAS अधिकारी हैं। इन्होंने त्याग पत्र देके राजनीति में प्रवेश लिया और नई पार्टी का गठन किया जिसके ये संयोजक हैं। उस पार्टी का नाम है आप मतलब क्या है, आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और दिल्ली में जो है वो 70 में 63 सीटें जीत लिए थे, 67 सीटें शायद, तो ये जानना जरूरी नहीं है सीटें, लेकिन यह जान लीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है इनसिग्निफिकेंट मैन। देखिए जो भी मुझे याद आएगा मैं बताता चलूंगा। और ऐसे बहुत से राज्य हैं भारत में, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले हमारा जिसको कहते हैं सिर मुकुट, सिर का जो मुकुट होता है कहते नहीं, तो हमारे आपने कविताओं में पढ़ा होगा कि जो हमारे भारत का मुकुट है उसे जम्मू कश्मीर कहते हैं। इसे कहते हैं जम्मू कश्मीर। भारत का जो मुकुट है, भारत की जो शान है वो क्या है? जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर में ही, राज्य में ही प्रसिद्ध है वैष्णो देवी माता जी का मंदिर भी है, जहां पर हिंदू धर्म के धर्मावलंबी प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं। तो इसमें आपको जम्मू कश्मीर की बात आ गई, मैंने बताया, जैसे जैसे मुझे चीजें याद आएंगी आपको बताता चलूंगा। जम्मू कश्मीर में ही डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। देखिए सलीम अली से समझ लो, जम्मू कश्मीर में किस वर्ग के, किस कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं? जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके लोग ज्यादा है। तो मुस्लिम अगर ध्यान में आ जाकर पूछ लेता है एग्जाम में कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जो है आप कहां लिखेंगे? जम्मू कश्मीर, जे एंड के मतलब जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन 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 उसी में पूछ लेते हैं कि डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछ ले। अब देखो नाम बदल दिया, डॉक्टर सलीम अली उन्होंने कर दिया डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, तो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। लेकिन उन्होंने एक नाम बदल के पूछ लिया डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, तो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। कहां पे है? गोवा राज्य में है, जो मुंबई के पास, यहां पे आप देख रहे हैं गोवा, देख रहे हैं ना पीला वाला छोटा सा, ये मुंबई है महाराष्ट्र के नीचे, महाराष्ट्र के नीचे गोवा की राजधानी क्या? पणजी है। गोवा राजधानी क्या है? पणजी है। और पणजी राजधानी और गोवा में ही डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहां है? जम्मू कश्मीर में है, इसीलिए डॉक्टर सलीम अली के नाम से एक और बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी मतलब पक्षियों का विहार है, पक्षी विहार, जिसको हिंदी में कहते हैं डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। कहां स्थित है? जाम में आ जाए कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहां स्थित है, तो आपका उत्तर जम्मू कश्मीर नहीं होगा, आपका उत्तर होगा कि गोवा में स्थित है। लेकिन वहीं पर अगर ये पूछ ले कि डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, देखिए राष्ट्रीय उद्यान अलग चीज है, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। तो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क अगर पूछ ले तो क्या हुआ? क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में होगा। अब जम्मू कश्मीर की बात आ गई, मैंने यहां बताया आपको कि जम्मू कश्मीर क्या हमारे देश का मुकुट है, और जम्मू कश्मीर विवादित भी है। जम्मू कश्मीर से एक चीज और निकल के आई है, जम्मू कश्मीर एक धारा 370 है, एक धारा 370 है जो कि जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। धारा 370 पूछ सकते हैं कि धारा 370 का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो आप बताएंगे कि धारा 370 का संबंध भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से है। अच्छा, धारा 370 क्या है? धारा 370 ये है कि धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार दिए गए हैं, कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर राज्य में पहले जम्मू कश्मीर का झंडा फहराया जाता है, उसके बाद तब हमारे देश का तिरंगा फहराया जाता है। पहले जम्मू कश्मीर का झंडा फहराया जाता है और उसके बाद तब वहां का, तब हमारे देश का तिरंगा फहराया जाता है। तो कुछ थोड़ा सा पक्षपात है। अब मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के बारे में इंटरेस्टिंग चीज और है। आपने पढ़ा होगा कि जो विधायक होते हैं, जिसको बोलते हैं विधानसभा सदस्य, जिसको बोलते हैं विधानसभा एमएलए, आपने सुना होगा एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अंग्रेजी में कहते हैं एमएलए को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए का जो हिंदी नाम है उसको बोलते हैं विधायक। तो जम्मू कश्मीर के जो विधायक होते हैं, अमूमन आपने सुना होगा कि विधायक क्या होते हैं? 5 साल के लिए चुने जाते हैं। विधायक जो होते हैं 5 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में वहां के जो विधायक होते हैं, वहां की जो विधानसभा होती है वो 6 वर्ष के लिए गठित होती है। ये खास चीज पूछ सकते हैं कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां के विधानसभा, जहां की विधानसभा 6 वर्ष के लिए गठित की जाती है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि वहां की विधानसभा का अगला चुनाव जो होगा, एक बार सरकार का गठन हो जाएगा तो जो अगला चुनाव होगा वो 6 वर्ष बाद होगा। देखिए बिल्कुल अलग हो गया,
अमूमन जितने राज्य हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़कर जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में 5 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं। विधानसभा 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। विधानसभा जो होती है उसका गठन 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्षों के बाद पुनः विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं चुनाव आयोग के निर्देश पर। और लेकिन जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जहां की विधानसभा 6 वर्ष के लिए गठित होती है और वहां पर विशेष अधिकार दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान ही है, हमारे संविधान के अंतर्गत उसको विशेषाधिकार दिए गए हैं और उसी का बहस का मुद्दा है कि भारत में मतलब संविधान में या लोकसभा में लोग ये चर्चा का विषय भी बताते हैं, ये ज्वलंत मुद्दा है कि क्या धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या धारा 370 भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, भारत की मतलब कहें कि राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से क्या धारा 370 का रहना समीचीन होगा, धारा 370 का क्या यथावत रहना उचित होगा, तो इसी चीज पर एक बहस का मुद्दा जिसमें निबंध लिखने के लिए भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। अच्छा आप सोच लो जम्मू कश्मीर में क्या है, आप जम्मू कश्मीर में क्या है,